नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन। आपको जो मैसेज करना है फैकल्टी अंडर स्कोर मैसेज पर टाइप करना है। आप सभी को जो मैसेज करना है मुझे, प्लीज टाइप मैसेज ऑन फैकल्टी अंडर स्कोर मैसेज। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा इसमें रहेगा बेटा नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन। तो यहाँ हमारा जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा इसमें बेटा यूनिट प्लेस डिजिट, टू फाइंड द यूनिट प्लेस डिजिट, टू फाइंड द यूनिट प्लेस डिजिट। ध्यान देंगे, 0, 1, 5, 6 फोर डिजिट। ये फोर डिजिट बेटा ऐसी डिजिट है यदि किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस डिजिट पे है और उसकी पावर कुछ भी है, यदि ये फोर डिजिट, ध्यान से समझेंगे बेटा। और कोई भी प्रॉब्लम होगी, इफ हैव यू एनी प्रॉब्लम देन प्लीज टाइप मी ऑन फैकल्टी अंडर स्कोर मैसेज। लिसन टू मी, 0, 1, 5 and 6 दीज आर द डिजिट। ये किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस डिजिट पे है और उसकी पावर कुछ भी है, यूनिट प्लेस डिजिट पर बेटा यही डिजिट रहते हैं ऑलवेज। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट, इफ मैं 250 की पावर 250 देन 0 यूनिट प्लेस डिजिट 0 और 0 की पावर 250, यू नो 0 × 0 × 0 0 का मल्टीप्लाई कितनी भी बार करेंगे आप, ऑलवेज 0, ऑलवेज 0 बेटा। सेम सेकंड डिजिट है हमारा 1, हम बात करें 2, 1, 2, 1 2, 2, 2, 2 कुछ भी हो, और यहाँ बेटा यूनिट प्लेस डिजिट हमारा 1 है और 1 की पावर आप देख रहे हैं 2, 2, 2, 2 और 1 को बेटा आप कितनी बार भी मल्टीप्लाई करेंगे, कितनी बार भी, तो बेटा इकाई का अंक यूनिट प्लेस डिजिट हमेशा बेटा एक ही रहेगा। दूसरा तीसरा थर्ड, 3, 4, 5, 4, 5, 6 5 यूनिट प्लेस डिजिट 5 है बेटा और 5 की पावर कुछ भी हो, 4, 5, 6 5 का मल्टीप्लाई हाउ मेनी टाइम, कितनी बार भी करेंगे, मैनी टाइम, 5 × 5 = 25 5 यूनिट प्लेस डिजिट पे आया, अगेन 5 से मल्टीप्लाई 25, फिर अगेन 5 आया, 5 से मल्टीप्लाई 5 दैट इज 5। यदि यूनिट प्लेस डिजिट पर बेटा 5 है और उसकी पावर कुछ भी है, इकाई का अंक 5 ही रहेगा। फोर्थ बेटा, फोर्थ की हम बात करें, 6, 6, 6, 6 की पावर 9, 9, 9, 9 अब 6 यूनिट प्लेस डिजिट पर 6 है, इसकी पावर बेटा 9, 9, 9 कितनी बार भी मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 6 × 6 अप टू सो ऑन बेटा 6 का मल्टीप्लाई कितनी बार करेंगे, 6 × 6 = 36 यूनिट प्लेस पर बेटा हमारा 6 आया, 6 × 6 = 36 अगेन 6 आया, 6 × 6 = 36 अगेन 6 आया, और बेटा कितनी बार भी मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा। तो बेटा मैंने आपको ये चार डिजिट बताई कि यदि किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस डिजिट पर आती है और उसकी पावर कुछ भी है, ऑलवेज जो हमारा यूनिट प्लेस डिजिट रहेगा वो 0, 1, 5, 6 ही रहेगा। देखो बेटा यदि किसी भी नंबर के, ये नंबर है 250, ये 250 है बेटा, 0 यूनिट प्लेस पर 0 है, उसकी पावर बेटा कुछ भी हो, अब 0 मैंने यूनिट प्लेस डिजिट पे ले लिया, उसकी पावर 250, तो 0 का मल्टीप्लाई, पावर का मतलब मल्टीप्लाई, कितनी बार भी मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 0 आएगा। ये हमारे आदित्य शेखर जी पूछ रहे हैं बेटा, 1, 1 लिख लिया बेटा, पावर है 2, 2, 2 अब इसको 1 को बेटा हम कितनी बार भी मल्टीप्लाई करेंगे आदित्य, हमेशा 1 ही आएगा। ये 5 है बेटा, 5 की पावर 4, 5, 6 5 का मल्टीप्लाई बेटा आप कितनी बार भी करेंगे आदित्य, ऑलवेज 5 ऑन यूनिट प्लेस डिजिट प्लीज। अब 6, 6 का बेटा 6 की पावर 9, 9, 9 कितनी बार भी मल्टीप्लाई करेंगे बेटा क्या आएगा, हमेशा यूनिट प्लेस डिजिट 6 ही आएगा। अभी मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, उसके बाद आपको सुनाऊंगा। मैंने बताया 0, 1, 5 और 6 चार डिजिट बताएं बेटा, टू फाइंड यूनिट प्लेस डिजिट, टू फाइंड यूनिट प्लेस डिजिट। ध्यान देंगे नेक्स्ट, अब बचा बेटा हमारा 2, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया, 7, 8, 9 ये डिजिट बची बेटा जिन पे हमें कैलकुलेशन करनी होती है, ये डिजिट बची जिन पे हमें कैलकुलेशन करनी होती है। अब यहां 2, फर्स्ट हम लेते हैं 2, अब 2 की पावर क्या होगा 1, तो क्या हुआ बेटा 2, 2 की पावर 2 कितना हुआ बेटा 4, 2 की पावर 3 कितना हुआ 8,
ये पावर जब तक लगाते जाओ, जब तक इनमें से चारों में से कोई एक डिजिट ना आ जाए, ये पावर जब तक लगाते जाओ जब तक इन चारों में से कोई डिजिट ना आ जाए। 2 की पावर 4, बेटा 16 आ गया। अब ये 16 आते ही पता लग गया कि इसकी पावर कुछ भी होगी, इसकी पावर कुछ भी होगी, हमेशा बेटा यूनिट प्लेस डिजिट पर 6 ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल ध्यान देंगे, अब मैं क्वेश्चन देता हूं आपको करने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने दिया 572 की पावर 574, एक क्वेश्चन दिया मैंने आपको कि यहां पर 2 है, यूनिट प्लेस डिजिट पर क्या है बेटा 2 है, और उसकी पावर कितनी है 574। तो हम कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान देंगे बेटा, समझेंगे। यहां हमने 2 लिख लिया, अब 2 लिख लिया 2 की पावर 574। अब यहां पर बेटा हमने देखा कि 2 की पावर 4 पर हमारा 16 आया था, तो इसको 2 की पावर 4 में बेटा रिजॉल्व करेंगे। 2, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 2 पावर बची इंटू 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 आया बेटा। अब 2 की पावर 4 पर कितना आया था 16 आया था, तो ये हुआ 16 की पावर 143 इंटू 2 की पावर 2, कितना आया बेटा 4 आया। अब ये 16 की पावर कुछ भी हो, 6 की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक यूनिट प्लेस डिजिट 6 ही रहेगा बेटा। 6 इंटू 4 कितना हुआ 24 हुआ, और यूनिट प्लेस डिजिट कितना आया बेटा 4, यूनिट प्लेस डिजिट कितना आया बेटा 4, 6 4 जा 24, तो यूनिट प्लेस डिजिट कितना आया बेटा 4 आया। अब इस काम को बेटा ऐसे न करके ध्यान देंगे, इस काम को बेटा ऐसे न करके आप क्या करेंगे बताता हूं। या 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट कहता है, 4 का डिविजिबिलिटी, एनी नंबर डिवाइडेड बाई 4, इफ एनी नंबर डिवाइड बाई 4, इफ लास्ट 2 डिजिट इज डिवाइडेड बाई 4, लास्ट की 2 डिजिट या 4 से डिवाइड होती है बेटा, तो नंबर 4 से डिवाइड होगा। 4 से डिवाइड हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बेटा 6 आया है। तो हम क्या करते हैं बेटा, इसको लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करो, और कितना रिमाइंडर आया देखिए, 4 1 जा 4 3, 4 8 जा 32, 2 आया, 2 आया बेटा रिमाइंडर, 2 लिख दिया, और 2 की पावर 2 कितना आएगा बेटा 4 आंसर। यस हर्ष श्रीवास्तव, हर्ष श्रीवास्तव मैंने समझाया बेटा, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16। यदि मैं 2 की पावर 5 करूंगा तो बेटा क्या हो जाएगा, फिर से यही आना शुरू हो जाएंगे, फिर से यही डिजिट आना शुरू हो जाएंगे। इसलिए इसके बाद यही रिपीटेशन जो का त्यों चलता है, जो का त्यों, यानी कि हर चौथी पावर किसी भी नंबर की इन चारों डिजिट में से एक डिजिट बनती है। मिस्टर ध्यान देंगे बेटा, ध्यान देंगे सभी बच्चे। अब मैंने बोला 572 की पावर 574, यहाँ बेटा यूनिट प्लेस डिजिट पर 2 है, अब 2 की पावर 574 बेटा। अब हम क्या करते हैं, इसको हमने 2 की पावर 4 में इसलिए रिजोल्व किया है क्योंकि यहाँ पे 6 आता है, 2 की पावर 4। अब बेटा 2 की पावर 4 यहाँ 4 से डिवाइड करूंगा, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 2 बचा, इसे मैंने 2 की पावर 2 अलग कर दिया, ये बेटा 16 की पावर 143, और बेटा ये 2 की पावर 2 4 हुआ। अब 6 आया बेटा, मैंने बताया था यदि यूनिट प्लेस डिजिट 6 है और उसकी पावर कुछ भी है तो यूनिट प्लेस डिजिट बेटा हमेशा 6 ही रहेगा, तो 6 इंटू 4 24, और बेटा हमारा यूनिट प्लेस डिजिट हमने क्या है बताया यहाँ पे आपको 4 बताया। ये काम आपको ऐसे न करके ध्यान देना बेटा, ऐसे न करके मैंने आपको क्या बताया कि ये लिख लिया यूनिट प्लेस डिजिट, अब ये लास्ट के जो 2 डिजिट है हमारे ना 4 से डिवाइड करो, और जो रिमाइंडर बचता है यहाँ लिख दो, 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 2 बचेगा, 2 हमने ऊपर लगा दिया बेटा, हमारा आंसर कितना आया 4, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4। एग्जाम में आपको ऐसे करना है बेटा, एग्जाम में बेटा ऐसे करना है। आगे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, अब क्वेश्चन जब भी क्वेश्चन करने हैं आपको शॉर्ट में ही करने हैं, कोई ऐसा नहीं है कि आपको लॉन्ग में करना है। देखो ये मैंने बताया 2, और ये मैंने 4 से डिवाइड किया तो 2 आया, तो हमारा क्या आया 4। दूसरा क्वेश्चन 4 3 2 4 3 1, देखो यहां पर 2 है बेटा, 2 2 की पावर, अब इसको 4 से डिवाइड करो, 4 8 जा 32, तो 4 7 जा 28, कितना आया 3, और 2 की पावर 3 कितना आता है बेटा 8, यूनिट प्लेस डिजिट हमारा 8 आया। 2 लिख लिया हमने, अब इस 93 को हमें बेटा 2 4 से डिवाइड किया,
चार दुनिया आठ, चार दिया बारह, एक बचा रिमाइंडर, तो टू की पावर वन कितना आया? टू, आंसर बिल्कुल सही बेटा, टू। अब टू की पावर फोर करते थे हम, अब टू की पावर फोर करेंगे तो इसको 72 को डिवाइड करो चार से, 18 पूरा पूरा बजा बेटा। अब दो की पावर चार क्या होता है? 16, और 16 की पावर 18, और मैंने कहा था कि यहाँ पे यूनिट प्लेस डिजिट 6 है बेटा, और इस 6 की पावर कुछ भी हो हमेशा यूनिट प्लेस डिजिट 6 ही आएगा। तो दो के केस में यदि पावर चार से पूरी पूरी करती है, दो के केस में पावर चार से पूरी पूरी करती है तो बेटा हमेशा यूनिट प्लेस डिजिट 6 होता है। देखो बेटा, 2 की पावर 4 18 पे पूरा पूरा गया, और 2 की पावर 4 क्या बताया था? 16 बताया था बेटा। अब 16 यूनिट प्लेस डिजिट 6 आ गया बेटा। अब 6 की पावर कुछ भी हो, मैंने बताया था हमेशा यूनिट प्लेस डिजिट 6 रहता है। तो 2 के केस में पावर 4 से पूरी पूरी करती है तो बेटा यूनिट प्लेस डिजिट 6 रहता है हमेशा। ये हो गया 2 की पावर 572 की पावर, मैंने आपको बताया 572। 2 की पावर 4, 4 बन जा 4, 4 4 जा 16, 4 3 या 12। अब 2 की पावर 4 क्या आया? 16 आया, 16, 16 की पावर 143। अब बेटा ध्यान देंगे यहाँ पर, ये पावर 4 6 आया, हमारा यूनिट प्लेस डिजिट 6 है, और इसकी पावर कुछ भी हो तो मैंने क्या बताया था? 6 ही बताया था। इस चीज को आप ऐसे समझेंगे कि यदि लास्ट में 6 आता है, यूनिट प्लेस डिजिट 6 आता है, और पावर 4 से पूरी पूरी करती है, तो बिना सोचे समझे आप यूनिट डिजिट 6 लिख देंगे बेटा। क्लास के YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलते रहें।